हम आपके सामने एक लिस्ट लेकर आए हैं कि YouTube पर भोजपुरी के किस स्टार की दबंगई है। जी हाँ, YouTube पर भोजपुरी के किस स्टार की दबंगई है, कौन है नंबर वन और किसके गाने YouTube पर सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है और यूट्यूब पर लोग भोजपुरी गाना जमकर सुन रहे हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि भोजपुरी पे किसके गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, तो हम वो लिस्ट लेकर आ गए हैं आपके सामने। आप इस लिस्ट को सुनकर भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था कि इनके गानों को यूट्यूब पर इतना पसंद किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट और देखते हैं कौन है नंबर वन। तो इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर है गुड्डू रंगीला। जी हाँ, गुड्डू रंगीला ने भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों में गाना भले से गाया है, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी उनके एल्बम्स के वजह से है। उनके दर्द भरे गीत भी हैं, उनके भक्ति गीत भी हैं, और कुछ जो उनके अश्लील सॉन्ग हैं उनको जो पॉपुलरिटी मिली है वो बाकी के गानों को नहीं मिली है। जैसे कि उन्होंने कई गाने गाए हैं बट उनमें अश्लील गानों को कुछ ज़्यादा ही पॉपुलरिटी मिली है, इसलिए इस क्रमांक में वो पाँचवें नंबर पर हैं। और अब चलते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे पर है सुरों की मल्लिका। जी हाँ, भोजपुरी के सुरों की मल्लिका, और जिन्हें शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है कल्पना पटवरी। और कल्पना को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अगर वुमेन आर्टिस्ट, वुमेन सिंगर की बात करें तो। और कल्पना के कई बेहतरीन गाने हैं, फिर वो चाहे भक्ति गीत हो, फिर वो चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, फिर चाहे वो नोकझोंक और छेड़छाड़ वाला सॉन्ग हो, कल्पना को हर एक सॉन्ग में बहुत पसंद किया गया है। और उनके कई बेहतरीन गाने आज भी लोग सुनते हैं और आज भी उन्हें इंजॉय करते हैं। तो इस क्रमांक पे चौथे स्थान पर है कल्पना। और अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पायदान पर। तो हमारे तीसरे पायदान पर बड़े ही चौंकाने वाले लेकिन रितेश पांडे जी हैं। जी हाँ, रितेश पांडे को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रितेश पांडे भोजपुरी के वो सिंगर हैं जिन्होंने बड़े ही कम समय में बहुत अच्छा मुकाम बनाया है। और उनके पियवा से पहले हमार रहलू और ए चांद जैसे कई बेहतरीन और हिट गाने हैं जिसे जनता पसंद करती है। और इसमें ये खास बात ये है कि रितेश पांडे कई बार प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी उनके गानों को बहुत पसंद किया जाता है। जैसे वो उन्होंने अभी हाल ही में एक गाना गाया था पांडे जी का बेटा हूँ, जिसे फिल्माया गया था प्रदीप पांडे चिंटू पर, और ये गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। रितेश पांडे अपने ज़्यादातर रोमांटिक नंबर और दर्द भरे गीतों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए रितेश पांडे हमारे तीसरे पायदान पर हैं। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे पायदान पर। तो आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे पायदान पर खेसारी लाल यादव ही हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव को बहुत पसंद किया जाता है और उनके कई ऐसे गाने हैं जो कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा बार सुने जा चुके हैं, यूट्यूब पर देखे जा चुके हैं। आपको यहाँ ये बता दें, खेसारी लाल यादव ने अपने 9 साल के छोटे से करियर में वो मुकाम बनाया है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े से बड़े दिग्गज नहीं बना पाते। उनके कई सॉन्ग हैं जैसे सरसों की सगिया हुआ, सैया अरब गई नैना से लेकर कई बेहतरीन सॉन्ग को पसंद किया जाता है, लेकिन इन पर अश्लीलता के भी आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं जो कि इनका पीछा नहीं छोड़ते। फिर भी चाहे जो भी हो, लेकिन सुना तो इन्हें बहुत जाता है, इसलिए हमारे ये दूसरे पायदान पर हैं। और अब आप जानना चाहते होंगे कि हमारे नंबर वन पायदान पे कौन है। तो भाई, नंबर वन पर आप सभी जान चुके हैं, कोई और नहीं नन अदर देन पवन सिंह है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च भी किया जाता है और सुना भी जाता है। पवन सिंह के चाहे वो होली सॉन्ग हो, फिर वो चाहे भक्ति से लबरेज सॉन्ग हो, फिर वो चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, या फिर हो दर्द भरे गाने, पवन सिंह की तुलना यहाँ आप किसी से नहीं कर सकते। गायकी में उन्हें महारत हासिल है, फिर चाहे व्यूज के मामले में आप रात दिया, बुता के पिया, क्या क्या किया की बात कर ले, झलकत बाहमरी जवनिया की बात कर ले,
या फिर पलंग या सोने नदिया की बात कर ले, ऐसे कई बेहतरीन गाने हैं उनके जो कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। भोजपुरी जानने वालों को, सुनने वालों को देश में विदेश में सभी पवन सिंह के इस गाने पर डांस किए बगैर या बगैर सुने नहीं रह पाते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम लॉलीपॉप का आता है। लॉलीपॉप को तो उन्होंने इंटरनेशनल सॉन्ग बना दिया है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अभी तक पवन सिंह को यहाँ टक्कर देने वाला तो कोई दूर दूर तक भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं दिखाई देता। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।